हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू फ्लेवर्स बाय पूजा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक डेजर्ट की रेसिपी जिसका नाम है शाही टुकड़ा। तो जितना सुनने में ये रॉयल लगता है उतना ही रॉयल ये डेजर्ट खाने में भी लगता है। तो ये कई तरीक़ों से बनता है बट मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ अपना मेथड, जिस मेथड से मैं इसे बनाती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आइए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है जो रेगुलर हमारे घरों पर आता है और इसको मैंने फ्लेम पर रख दिया है। तो अभी ये फुल फ्लेम पर रखा है मैंने और इसको हम बॉयल आने का वेट करेंगे। एक्चुअली हमें इसको पकाना है और पकाते हुए इसकी रबड़ी बनानी है। तो देखिए जो दूध है उसमें बॉयल आ चुका है। तो जब हम इसकी रबड़ी बनाएंगे या इसको रिड्यूस करेंगे तो एक जो किनारों पर है दूध उसको भी स्क्रेप करते रहेंगे और इसको लगातार चलाते हुए फुल फ्लेम पर गाढ़ा कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मीडियम फ्लेम पर भी कर सकते हैं। तो देखिए जो किनारे हैं उसको भी हम लगातार खुरसते रहेंगे और हमारी रबड़ी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। दूध काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी के और उसको थोड़ा सा मिला देंगे चीनी को। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से मिक्स्ड नट्स। तो मैंने यहाँ पे काजू बादाम और पिस्ता लिया हुआ है। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद एक बार बॉयल आने का वेट करेंगे क्योंकि जो चीनी है उसमें भी थोड़ा पानी होता है। तो एक बार बॉयल आएगा तो वो पानी भी सूख जाएगा और हमारी जो रबड़ी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है। अभी ये थोड़ी पतली है बट जैसे जैसे ठंडी होगी ये गाढ़ी होती जाएगी। आइए आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। तो अब आगे हमें क्या करना है, 4 स्लाइस के ब्रेड लेने हैं और उसको मैं इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में कट हो जाए। इसी तरीके से सारे ही ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है। देखिए यानी तो 4 ब्रेड थे और हमारे पास अब 8 पीसेस हो चुके हैं। चलिए अब इनको आगे देखते हैं क्या करना है। आगे हमें इन ब्रेड के पीसेस को डीप फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने एक पैन में घी लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है हमें कि घी का ही यूज़ करना है, तेल से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। आप चाहें तो आप शैलो फ्राई कर सकते हैं या तवे पर ही इसको सेक सकते हैं। तो अब हम अलट पलट करके इस ब्रेड को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएंगे, जिस तरह से टोस्ट होते हैं। तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं और बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब इनको मैं निकाल ले रही हूँ। बाकी जो बचे हुए पीसेज हैं उनको भी सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने उस पैन में से घी को हटा दिया है और उसी पैन में मैं बना रही हूँ चाशनी को। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप चीनी। 1/2 कप चीनी में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। तो अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी तले पर ना लगे और बॉयल होने देंगे। तो देखिए ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। यहाँ पर हमें 1 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस जो हमारा शुगर सिरप है वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाए। और ये रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो जो शुगर सिरप है वो ठंडा हो चुका है, एकदम से ठंडा नहीं है, हल्का सा वार्म है। तो वार्म शुगर सिरप में ही हम अपने ब्रेड के पीसेस को डिप कर देंगे और इसको भी पलट पलट कर 2 से 3 मिनट के लिए सोक होने देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक सोक नहीं करना है, अदरवाइज जो
ब्रेड के पीसेज है वो सॉगी हो जाएंगे। अब ये काफ़ी क्रिस्पी है तो इनको इधर उधर से हर तरफ से पलट कर सोक कर लेंगे। तो देखिए तो लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से बिक चुके हैं, बट ये सॉगी नहीं हुए, अभी भी क्रिस्पी हैं और इनको मैंने अब निकाल लिया है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पर एक मैंने प्लेट लिया हुआ है और उस प्लेट में मैं सबसे पहले अपनी जो रबड़ी तैयार की हुई है उसको डालूँगी। तो शाही टुकड़े को ऐसे ही पेश किया जाता है या उसकी प्लेटिंग ऐसे ही की जाती है। सबसे पहले हम रबड़ी को डालते हैं पूरे ही प्लेट में और रबड़ी डालने के बाद जो हमारे ब्रेड के पीसेज हैं उनको रखते हैं। तो देखिए मैंने सारे ही ब्रेड के पीसेस को रख दिए हैं जितना इस ट्रे में आ रहा था। इसके बाद ऊपर से भी हम रबड़ी को डालेंगे इस तरीके से। सारे ही ब्रेड के पीसेस पे हम अपनी तैयार की हुई रबड़ी को डाल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा गार्निशिंग कर दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम लिया हुआ है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और उसको मैं इसके ऊपर डाल दी हूँ। तो ये अभी भी रेडी है खाने के लिए, बट मैं इसको थोड़ा सा और गार्निश कर रही हूँ। तो मेरे पास ये शुगर कैंडी थी जो हम बचपन में खाते थे जिसके ऊपर शुगर कोटेड होता था, तो उसको मैंने रख दिया है। बाद में जो कलरफुल सौंफ आते हैं मीठे मीठे होते हैं उसको भी मैंने ऊपर से डाल दिया है और हमारा जो शाही टुकड़ा है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो आप भी अभी इसे घर पे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।